एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लस गॉसिप। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जहां पर अभिमन्यु को अभीर की कस्टडी मिल गई है। लेकिन अभीर की कस्टडी मिलने के बाद भी यहां पर आप देखने वाले हैं कि अभिमन्यु के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि अभीर यहां आकर खुश नहीं रहेगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अभीर भी अपने रियल फादर के पास जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जहाँ पर अभी तक उसे ये नहीं पता है कि उसके डॉग मैन ही उसके रियल फादर है। तो वहीं अब आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अक्षरा और अभिनव मिलकर अभीर को ये सच बताएंगे कि उसके डॉग मैन ही उसके रियल फादर हैं। लेकिन ये पता चलने के बाद भी अभीर का डिसीजन बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। जैसा कि वो पहले कह रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मा पापा के साथ रहना चाहते हैं। सच जानने के बाद भी उनका डिसीजन यही रहने वाला है, जिसके बाद आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, यहाँ पर अब जब कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि अभीर को अभिमन्यु के पास जाना होगा, तो अब ना चाहते हुए भी ये सबको मानना ही पड़ेगा, जिसके लिए अब अक्षर और अभिनव मिलकर एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि अभीर को अभिमन्यु के पास भेजने के लिए अब अक्षर और अभिनव मिलकर कुछ ना कुछ प्लान करते नजर आएंगे, जहाँ पर हम आपको बता दें कि अब अक्षर और अभिनव अभीर की नज़रों में बुरे बनने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि अभीर के मम्मा पापा उनकी नज़रों में बुरे बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अभीर अभिमन्यु के पास चला जाए। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर अक्षरा और अभिनव अभीर की नजरों में बुरा बनने के लिए क्या करते हैं, और क्या ये प्लान सच में सक्सेसफुल हो पाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्लस गॉसिप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।